लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हमेशा से नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसके बावजूद देश का संचालन उनके हाथों में होता है। वहीं एक चौकीदार को भी अपनी नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होती है। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बीपीएससी मेंस की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ली है। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा सीट से विधायक है अनिल कुमार। इन्होंने 2017 में जब बीपीएससी ने एसडीओ के 8484 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी तो इन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था। माता पिता चाहते थे कि बेटा अधिकारी बने, तो माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा दी और अब जब रिजल्ट आया है तो उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है क्योंकि उन्होंने अच्छे अंकों के साथ यह परीक्षा पास कर ली है। बथनाहा विधानसभा से इस बार पहली बार अनिल कुमार ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। और अब जब बीपीएससी की मेंस की परीक्षा उन्होंने क्लियर कर ली है तो काफी खुशी उनके घर में है, साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में भी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब जरा हम अनिल कुमार के बारे में भी आपको बता दें कि 2012 में इन्होंने बीआईटी से इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद झारखंड सरकार में 2012 में इनका कोर्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 5 सालों तक झारखंड सरकार में डिजाइन इंजीनियर रहे, उसके बाद वहां से हटकर फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी काफी समय तक काम किया। उसके बाद सोचा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आ जाएं और बथनाहा विधानसभा सीट से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, सीतामढ़ी के सबसे युवा उम्मीदवार बने और बड़े मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा भी दिया। जब वोटों की गिनती हुई तो इनके जो वोट थे वो 54% थे, यानी कि कुल पड़े वोट का 54% इन्होंने हासिल किया। वहां की जनता ने भी इनका भरपूर समर्थन किया और हम आपको बता दें कि इन्हें जो वोट मिले वो थे 92,648, जबकि इनके सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े थे संजय राम, उन्हें वोट मिले थे 45,830, यानी कि 46,818 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज करी। और अब जब बीपीएससी मेंस की परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन 2017 में आया था, एसडीओ पोस्ट की यह वैकेंसी थी, निकाल ली है तो लगातार इन्हें बधाइयां मिल ही रही है रिश्तेदारों से भी, लेकिन अब इनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं तथा इसके अलावा जो नेता हैं वो भी इनको बधाई दे रहे हैं। हालांकि अनिल कुमार का कहना है कि वो प्रशासनिक सेवा में अब नहीं जाएंगे बल्कि एमएलए रहकर ही समाज की सेवा और अपने क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।